तो ऐसा है कि हम लोग शूट करने वाले थे, हो गया शुरू बारिश, तो अब पता नहीं कैसे क्या करेंगे, इसीलिए शूट को यहाँ पे स्थगित करते हैं। भाई ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? भाई हमारा हालत ख़राब है, आज गर्दा धूली कुछ नहीं उड़ रहा है, बारिश हो रहा है। तो भाई ऐसा है कि आज हमारे पास था मोटो H30 जो कि एकदम गर्दा वाला मजाक उड़ाया था नथिंग का, और नथिंग फोन 1 भी है, और नया नया लॉन्च और ओप्पो का रेनो 8, तो ये तीनों फोन था आज कंपेयर करने के लिए। लेकिन बारिश रुक नहीं रहा है, तो पता नहीं कैसे शूट करेंगे, देखते हैं, वेट करते हैं। 1 eternity later. तो फाइनली हम लोग के साथ आज श्रुति है। तो ये सारे फ़ोन्स में जो है मोटो का जो है सेंसर थोड़ा ओमनी विज़न है, लेकिन भाई क्वालिटी के मामले में डेफिनेटली बोलेंगे कि कोई कॉम्प्रोमाइज़ इसमें किया नहीं गया है। जनरली डे टाइम में फ़ोटोज़ जो है तीनों फ़ोन्स बहुत अच्छा खींचता है। सबसे जो ज़्यादा डिटेल्ड फ़ोटो आपको मोटो में मिलेगा। ओप्पो रेनो 8 का भी फ़ोटोज़ बहुत पसंद आया हमको, उसका कलर्स वगैरह जो है बाकी दोनों से मतलब ज़्यादा बेटर था, कहीं ना कहीं हमको ज़्यादा बेटर लगा। शेडोज़ वगैरह का डिटेल्स वगैरह ज़्यादा बेटर लगा। नेचुरल साइड में थोड़ा सा कहीं कहीं पे कंसिस्टेंसी चेंज हुआ, लेकिन डायनेमिक रेंज में भी हमको ओप्पो जो है बहुत बढ़िया परफॉर्म करता हुआ दिखा। वहाँ पे मोटो जो है खासकर फेस जब भी दिखता था तो मोटो ज़्यादा स्ट्रगल करता था, हाइलाइट्स को ज़्यादा ब्लोन आउट कर देता था। तो उस सिचुएशन में हमको तीनों ही फ़ोन में हमको सबसे बेटर जो लगा कि रेनो 8 लगा, इसलिए नहीं क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा उसमें ब्राइट फोटोज़ है, इसलिए क्योंकि उसमें कंसिस्टेंसी है। मोटो भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। यहाँ पे थर्ड प्लेस पे हम नथिंग को ही बोलेंगे, शेडोज़ वगैरह सारा कुछ, और हल्का हल्का ग्रीन टोन अभी भी है। यहाँ पे भी आप देखो शार्प ज़्यादा रेनो है, कहीं ना कहीं वो यहाँ पे भी ब्लोन आउट जो है, पीछे का बैकग्राउंड देखोगे तो ज़्यादा ब्लोन आउट किया हुआ है, लेकिन ओप्पो बहुत अच्छा मेंटेन किया है इसको। और अगर इसी सिचुएशन में आगे बढ़ते हैं लो लाइट की तरफ, तो लो लाइट में एक जो है मोटो के साथ एडवांटेज और नथिंग के साथ कि OIS मिल जाता है, जो कि आपको रेनो में नहीं मिलेगा। तो क्लियरली इसका एडवांटेज आपको दिख जाएगा हम लोग के मोटो और नथिंग फ़ोन में, शार्पनेस और डिटेलिंग के मामले में कहीं ज़्यादा बेहतर है रेनो से। लेकिन यहाँ पे सबसे जो बेस्ट परफॉर्म करता हुआ हमको दिखा है वो है मोटो। भाई मोटो का जो शार्पनेस और डिटेलिंग है, कलर कंसिस्टेंसी भी काफ़ी बेहतर है, डिटेल ज़्यादा बेहतर है। नथिंग में थोड़ा ग्रीन टोन येलो टोन अभी भी पकड़ रहा है, तो यही बोलेंगे कि ऐसे थोड़ा सा लाइट अगर आता है ना तो रेनो बहुत अच्छे से मेंटेन करता है। फ्लेयर्स भी काफ़ी कम है रेनो में कंपेयर टू दोनों फ़ोन, तो अगर लाइट है तो आपको रेनो बहुत अच्छा काम करेगा। 1 सेकंड का शटर लेता है, लगभग सारे ही फ़ोन 1 से 3 सेकंड के बीच का शटर लेता है। नथिंग दिखाता 5 सेकंड का है, लेकिन लेता 1 ही सेकंड है, वो प्रोसेसिंग में उतना टाइम लेता है। तो ओवरऑल हम एकदम एक्सट्रीम लो लाइट में हम यही बोलेंगे कि अगर आपको मोटो अगर आप प्रीफर करोगे तो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन। तो ऐसे जूम का बात करेंगे तो 10x में ही रख रहे हैं, क्योंकि मोटो जो है सिर्फ 10x को सपोर्ट करता है। और यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि भाई हम लोग का जो ओप्पो में OIS नहीं है, जिसकी वजह से कितना ज़्यादा वो हिल रहा है। बाकी दोनों फ़ोन काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है OIS की वजह से, तो यहाँ पे OIS का थोड़ा सा एडवांटेज कहीं ना कहीं मोटो और नथिंग को मिल रहा है। हम लोग के साथ आज श्रुति है, जो कि मेरे पोर्ट्रेट शॉट्स में मेरा हेल्प करने वाली है आज। तुमको बताओ कौन सा फोन ज्यादा अच्छा लग रहा है तीनों में? लुक वाइज? हाँ, लुक वाइज पीछे से फैसिनेटिंग ये लग रहा है, बिकॉज़ इसका कलर काफी अच्छा है पीछे का। और सी लाइक मोटो, आई मीन तीन लेंसेज। अच्छा, अब कौन सा अच्छा लग रहा है? एक मिनट। Of course, nothing. ये लाइट जलने के बाद हर किसी का पहला पसंद जो है नथिंग है। सर ये वीडियो बम हो गया है। कोई नहीं, चलेगा। हमारे मतलब आपको मत सिखा, चल कुछ शॉट्स लेते हैं। तो अगर पोर्ट्रेट शॉट्स का बात करेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे बहुत ही कंफ्यूजिंग है, क्योंकि जितना भी फ़ोटोज़ वीडियोज़ हम सारा कुछ देखें, वीडियोज़ नहीं फ़ोटोज़ का बात कर रहे हैं, तो फ़ोटोज़ देखे हैं डे टाइम में, तो सबसे ज़्यादा कंसिस्टेंसी जो हर फोटोज़ में एक ही जैसा कलर्स मिला है, सारा कुछ मिला है, तो वो ओप्पो था। नथिंग जो है कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा देता है, मोटो जो है लाइट्स के अकॉर्डिंग चेंज होता है और फेडेड टोन रहता है उसमें, और एज सेलेक्शन जो है सबसे गंदा मोटो का ही था यहाँ पे। ओप्पो और नथिंग का एज सेलेक्शन काफ़ी बेहतर था। हम पर्सनली अगर देखेंगे तो हमको ओप्पो का जो एज सेलेक्शन और ब्लर है वो ज़्यादा नेचुरल लगा है, और फ़ोटोज़ भी काफ़ी नेचुरल लगा है। बाकी दोनों में थोड़ा सा बूस्टेड कलर लगा है। मोटो का तो हम थर्ड पे ही बोलेंगे, थोड़ा सा फेडेड टोन ऑलमोस्ट हर फोटोज़ में हमको दिख गया है। नथिंग का भी पोर्ट्रेट शॉट्स काफ़ी अच्छा, डे टाइम अगर फोटोज़ की बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे ओप्पो हमको सबसे बेस्ट लगा है पोर्ट्रेट शॉट्स के लिए खासकर। तो ये डे टाइम में पोर्ट्रेट्स के लिए नथिंग या ओप्पो को ही प्रेफर करो, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो अब थोड़ा हम लोग इंडोर में जाते हैं, जिस सिचुएशन में सबसे ज़्यादा फ़ोटोज़ क्लिक किया जाता है, जनरली सबसे ज़्यादा लोग इंडोर में ही कहीं पर गए तो फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे भी OIS होने के बाद भी
रेनो का फोटोज बेस्ट था, रेनो का फोटोज क्लियरली बेस्ट था। एज सिलेक्शन तीनों फ़ोन में स्ट्रगल करते हुए दिखा, मोटो जो सबसे पीछे है यहाँ पे, इस सिचुएशन में सबसे पीछे मोटो ही है। और रेनो का फोटोज़ ज़्यादातर फोटोज़ में हम ज़्यादा डिटेल्ड, ज़्यादा ब्राइट जो होना चाहिए एक्चुअल में पोर्ट्रेट शॉट्स के लिए, वो एडवांटेज कहीं ना कहीं ओप्पो का यहाँ पे मिल गया है। यही अगर रेनो 8 प्रो होता तो और बेहतर होता, क्योंकि उसमें मैरी सिलिकॉन एक्स जो है अलग से एनपीयू दिया हुआ है, तो कहीं ना कहीं पोर्ट्रेट शॉट्स के लिए ओप्पो जो है हम लोग का बेस्ट ऑप्शन दिख रहा है। जिनको नहीं पता है उनको बता दें कि भाई ओप्पो में आपको बोके फ्लेयर पोर्ट्रेट मोड, AI कलर पोर्ट्रेट मोड भी मिल जाता है। ये वैसे ही पुराना सैंपल्स है जो कि ऑलमोस्ट सेम क्वालिटी का आपको मिल जाएगा। तो ये फिल्टर सिर्फ और सिर्फ ओप्पो के फ़ोन में मिलेगा आपको, तो ये एडवांटेज ओप्पो के साथ मिल जाता है आपको। तो हम लोगों का जो तीनों फ़ोन है इसमें सबसे ज़्यादा जो ब्राइट है वो मोटो H30 है, सेकंड पे ओप्पो रेनो 8 है। मतलब आउटडोर ब्राइटनेस का बात करेंगे तो ऐसे ओप्पो रेनो 8 भी काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है, दोनों के कंपैरिजन ऑलमोस्ट सेम है। लेकिन नथिंग फोन 1 जो है इन दोनों से काफ़ी कम ब्राइटनेस दिखा रहा है, तो डेफिनेटली ब्राइटनेस का मामले में रेनो 8 और मोटो H30 आपके लिए बेटर ऑप्शन है। तो अगर अल्ट्रा वाइड में आते हैं तो यहाँ पे नथिंग और मोटो को एडवांटेज मिल जाता है 50 मेगापिक्सल के अल्ट्रा वाइड का, लेकिन ऑप्टिमाइजेशन बहुत मैटर करता है भाई। और ओप्पो जो है उसमें सिर्फ 8 मेगापिक्सल का कैमरा आता है, लेकिन एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा लगा कि भाई मोटो का फ़ोटोज़ हमको एकदम पसंद नहीं आया कहीं से भी, वो हर फोटोज़ में फेडेड टोन, और उसमें नाइट मोड भी नहीं आता, डायनेमिक रेंज तो एकदम बेकार है, तो उसके बारे में बात ही करना बेकार है। यहाँ पे कहीं ना कहीं हमको नथिंग का फ़ोटोज़ भले ही वो बहुत अच्छा ना हो, लेकिन इन तीनों फ़ोन्स में सबसे बेस्ट लगा है। डायनेमिक रेंज जो है सबसे बेस्ट यहाँ पे ओप्पो रेनो 8 का है, सबसे कम वाइडर व्यू भी है, सबसे ज़्यादा जो वाइड व्यू देता है वो मोटो H30 है, लेकिन उसका क्वालिटी भाई हमको बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। तो नथिंग ही यहाँ पे क्लियरली थोड़ा सा आगे बढ़ता है भाई, क्योंकि नाइट मोड मिल जाता है हमको नथिंग और ओप्पो में, मोटो H30 में लो लाइट सिचुएशन के लिए नाइट मोड नहीं मिलता है, तो ये बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट उसका उसके लिए हो जाता है। तो कहीं ना कहीं डे टाइम के फ़ोटोज़ के लिए भाई हम यहाँ पे नथिंग को चूज़ करेंगे। तो अगर एक्सट्रीम लो लाइट में जाएंगे तो भाई यहाँ पे नथिंग जो है बेटर परफॉर्म करता हुआ दिख रहा है बाकी दोनों से। मोटो में नाइट मोड नहीं मिलता है अल्ट्रा वाइड पे, तो सिर्फ वहाँ पे वाइड पे ही नाइट मोड मिलता है, तो डेफिनेटली यहाँ पे हम लोग को नथिंग को एडवांटेज मिल जाता है। और ओप्पो रेनो भी ठीक ही है, बेहतर है, कम से कम मोटो से तो बेहतर फोटोज़ दे रहा है, वाइडर व्यू कम है, लेकिन क्लियरली यहाँ पे बोल सकते हैं आप कि भाई नथिंग फ़ोन जो है इन तीनों में से, ये नहीं बोल रहे हैं कि बहुत ही अच्छा अल्ट्रा वाइड है, लेकिन हाँ नाइट मोड में नथिंग फ़ोन बहुत अच्छा काम करता है, ये चीज़ हम एग्री करते हैं। दिन में भले ही थोड़ा स्ट्रगल करता हो लेकिन नाइट में बहुत अच्छा काम करता है, तो ये एडवांटेज आपको नथिंग के साथ मिल जाएगा कि नाइट मोड के साथ अच्छा फोटोज आप ले सकते हो। अब थोड़ा इन तीनों फोन्स का फ्रंट कैमरा देखते हैं। इसमें जो है 32 मेगापिक्सल मिलता है हम लोग को रेनो 8 और मोटो H30 में, 16 मेगापिक्सल मिलता है कैमरा नथिंग में, अपर्चर ऑलमोस्ट सेम ही है सबका, 2.4 के अप्रॉक्स में है। देखते हैं कि कैसा कौन काम करता है। तो भाई फ्रंट कैमरा की बात करेंगे तो यहाँ पे भी मोटो जो है हमको स्ट्रगल करता हुआ दिखा है, तो यहाँ भी कंपटीशन जो है सिर्फ ओप्पो और नथिंग में है। कहीं कहीं पे हमको ओप्पो बेटर लगा, कहीं कहीं पे नथिंग बेटर लगा, कलर्स वगैरह में थोड़ा बहुत कहीं कहीं ओप्पो ज़्यादा बेटर परफॉर्म करता है, नथिंग में थोड़ा ग्रीन टोन कहीं कहीं पर दिखता है, लेकिन ठीक है नथिंग का फोटोज़ जो है ऑलमोस्ट सिचुएशन में आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि क्या है ना कि आपको लो लाइट में पोर्ट्रेट शॉट्स में ये सब में नथिंग का फोटोज़ कहीं कहीं पे अच्छा लग सकता है। ओप्पो जो है थोड़ा सा ब्राइट करने के चक्कर में ज़्यादा रहता है, तो उसके चक्कर में कहीं कहीं पे फेडेड टोन भी दिख जाएगा आपको, तो डेफिनेटली हम यहाँ पे बोलेंगे कि नथिंग जो है कहीं ना कहीं बेटर परफॉर्म करता है तो बाकी दोनों फ़ोन से फ्रंट कैमरा में, लेकिन ओप्पो भी ऑलमोस्ट सिचुएशन में आपको बहुत अच्छा फोटोज़ देगा, लेकिन मोटो में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट का ज़रूरत है, मोटो का सॉफ्टवेयर उतना खास नहीं लगा हमको। तो फ्रंट कैमरा का बात करेंगे तो यहाँ पे हम लोग को ओप्पो में एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि जिसमें आपको AI कलर पोर्ट्रेट मोड, बोके फ्लेयर पोर्ट्रेट मोड ये सब मिल जाता है, जिसमें आप अच्छे क्वालिटी का पोर्ट्रेट शॉट्स ले सकते हो। मोटो में यहाँ पे बस कंट्रोल करने का ऑप्शन है, HDR ऑटो का ऑप्शन है, नथिंग में भी बस यही मिलेगा अपर्चर कंट्रोल और बस थोड़ा बहुत ब्यूटी मोड। तो अगर मैक्रो का बात करेंगे तो सारे फोन्स में मिल जाता है, लेकिन हम लोग को नथिंग और मोटो में जो है 50 मेगापिक्सल मैक्रो मिलता है, मतलब वो आउटपुट कम ही करके देगा लेकिन स्टिल हाई क्वालिटी का मिलता है। रेनो में आपको सिर्फ और सिर्फ 2 मेगापिक्सल का मैक्रो मिलता है। तो अभी जो वीडियो देख रहे हो तीनों फोन के फ्रंट कैमरा से रिकॉर्ड हो रहा है, और यहाँ पे रिजोल्यूशन के मामले में हमारा जो मोटो H30 जो है वो कहीं ना कहीं बाकी दोनों फोन से बेटर है। ऑडियो सोर्स हमारा फोन ही है यहाँ पे, तो वो भी आप देख सकते हो, डायनेमिक रेंज आप देख लो। हमको डिस्प्ले में देख के एक चीज जो लग रहा है कि भाई मोटो बैकग्राउंड को बहुत ज्यादा ब्लोन आउट कर रहा है, क्रॉप ज्यादा किए हुए है, रेनो जो है वो थोड़ा ज़्यादा वाइडर व्यू भी दे रहा है, और यहाँ पे थोड़ा सा नथिंग भी काफ़ी वाइडर व्यू दे रहा है। लेकिन मोटो H30 का सबसे बड़ा एडवांटेज भाई आप 4K रिकॉर्ड कर सकते हो, मतलब फ्रंट में भी रियर में भी, तो ये हम इस चीज़ को बोलेंगे कि भाई मोटो ने बहुत अच्छे तरीके से इस चीज़ को किया है।
सैमसंग को जैसे फॉलो किया हुआ है, तो इस चीज़ में हम थम्स अप बोलेंगे। तो ये वीडियो आप जो देख रहे हो ये 4K में रिकॉर्ड हो रहा है, तीनों ही फोन्स में। कोई भी फोन हम लोग का 4K 60 FPS नहीं सपोर्ट करता है, क्योंकि हार्डवेयर ही नहीं सपोर्ट करता है भाई कि 4K 60 FPS उतना ले पाएगा। क्रिस्टलाइजेशन भी आप देख सकते हो, अभी तक ऑडियो मेरा खुद का था और अब हम ऑडियो डालेंगे अपने वॉइस ओवर का। तो यहाँ पे मोटो का हम ऑडियो नहीं डाल पाए क्योंकि इसमें माइक फिर से बंद हो गया था, तो इसकी वजह से ऑडियो नहीं डाल पाए हैं। और आगे आपको नाइट वाले वीडियो में आपको ऑडियो मिल जाएगा। यहाँ पे एक्सपोजर शिफ्टिंग काफ़ी ज़्यादा है मोटो में, मतलब एक्सपोजर मेंटेन थोड़ा सा करना गड़बड़ है, लेकिन OIS सबसे बेस्ट जो है मोटो का ही काम करता है, OIS EIS दोनों मिला के। और रेनो 8 जो है यहाँ पे ज़्यादा स्ट्रगल करता हुआ दिख रहा है, खासकर 4K में बहुत ज़्यादा हिलता है, लेकिन कंसिस्टेंसी जो है नथिंग में है सबसे बेस्ट, आपको यहाँ पे वही बोलेंगे हम, इस वजह से नथिंग को हम चूज़ करेंगे यहाँ। तो अभी जो आप वीडियो देख रहे हो ये 4K में रिकॉर्ड हो रहा है अल्ट्रा वाइड पे हमारे मोटो और नथिंग फोन में, लेकिन रेनो में आपको जो है वो 4K सपोर्ट नहीं मिलता है क्योंकि उसमें 8 मेगापिक्सल का कैमरा है, जहाँ पे आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि हार्डवेयर वाइज हम लोग का रेनो यहाँ पे थोड़ा सा कमजोर पड़ जाता है। और नथिंग और मोटो एज 30 में आप बताओ कि दोनों में कौन सा जो है आपको ज़्यादा बेटर लग रहा है, आप ये कमेंट करके बताओ। मेरे ख्याल से तो हम तो देख नहीं पा रहे हैं फिलहाल, जो भी होगा हम कंप्यूटर में जाने के बाद अगर कुछ लगता है तो वो जरूर बताएंगे आपको। तो आगे दिखाते हैं आपको स्टेबलाइजेशन। तो अल्ट्रा वाइड में भी हमको कहीं ना कहीं नथिंग ज़्यादा बेटर लगा, क्योंकि भाई क्या है ना कि बाकी दोनों फ़ोन से थोड़ा सा बेटर और कंसिस्टेंसी के साथ वो बढ़ रहा है 4K वीडियोज़ में भी। खासकर ओप्पो रेनो जो है वो भी थोड़ा ठीक ठाक ही है 8 मेगापिक्सल के हिसाब से, लेकिन आई डोंट नो मोटोरोला में भाई क्या ही है कि एक्सपोजर शिफ्टिंग काफ़ी ज़्यादा है, फ्लैट प्रोफाइल फेडेड टोन थोड़ा ज़्यादा ही लग रहा है हमको, उससे बेहतर रेनो का वीडियो लगा कहीं ना कहीं। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो मेरे लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन तो है नथिंग ही है, रिजोल्यूशन भी मिल जा रहा है काफ़ी हाई क्वालिटी का। तो अभी जो वीडियो देख रहे हो ये फ्रंट कैमरा में रिकॉर्ड हो रहा है 1080p 30fps पे, हम लोग ओप्पो जो है नाइट मोड दे देता है, तो आप एक्सट्रीम लो लाइट सिचुएशन में मूव करने पे देख सकते हो कि क्या आप किस में फ़र्क पड़ रहा है। ऑडियो सोर्स हमारा फ़ोन ही है, तो आप वो भी देख सकते हो कि किसका ऑडियो कैसा आ रहा है। दिन में तो हम ऑडियो नहीं दिखा पाए थे आपको कुछ एरर की वजह से, मतलब मोटो का ऑडियो नहीं आया था। तो अगर बात करेंगे हम लोग स्टेबलाइजेशन का 4K में प्राइमरी कैमरा मतलब वाइड एंगल पे, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं रेनो पीछे रह जाता है भाई, रेनो में OIS नहीं मिलता, इसकी वजह से काफ़ी यहाँ पे स्ट्रगल करना पड़ सकता है। नथिंग और मोटो जो है काफ़ी अच्छा काम किया है, मोटो का स्टेबलाइजेशन बहुत ही बढ़िया है भाई, बहुत ही मतलब लो लाइट में भी कोई भी जिटर वाला इफेक्ट हमको इसमें नहीं दिखा है, कलर्स वगैरह भी बहुत नेचुरल साइड में ही रखा हुआ है, नथिंग में थोड़ा ग्रीन टोन ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं स्टेबलाइजेशन आपको जो है वो रेनो में का पीछे और मोटो में बेस्ट मिलेगा। तो अभी जो वीडियो देख रहे हो ये 4K में रिकॉर्ड हो रहा है हम लोग के नथिंग में और मोटो में, और रेनो में जो है सिर्फ आपको 1080p का सपोर्ट है, कोई 4K का सपोर्ट नहीं है हम लोगों के नथिंग। तो अब हम यहाँ से वॉइस ओवर डाल रहे हैं। मोटो का जो माइक है वो सबसे गंदा है, लेकिन मोटो में एक फीचर है जो बाकी किसी फ़ोन में नहीं मिलता है, वो है भाई इसका कैमरा स्विच करने वाला फीचर। आप रिकॉर्डिंग करने के टाइम अल्ट्रा वाइड और वाइड एंगल में कैमरा स्विच कर सकते हो, ये एडवांटेज आपको दोनों में से किसी फ़ोन में और नहीं मिलता है। तो यहाँ पे मोटो एक एडवांटेज देता है बस, कहीं कहीं पे आपको मतलब नहीं बोलते कि कोई भी फ़ोन आपको परफेक्ट नहीं है एकदम, लेकिन कहीं किसी में कुछ ज़्यादा है कुछ कम है। तो एक फ़ायदा जो हम लोग को OIS नहीं होने के बाद भी ओप्पो मिल जाता है वो कि नाइट विज़न वीडियो है, नथिंग में भी मिलता है, लेकिन कहीं ना कहीं ओप्पो वाला जो नाइट विज़न वीडियो है ज़्यादा विजिबल है बाकी दोनों फ़ोन्स के कंपैरिजन। मोटो में ये फीचर नहीं मिलता है और ज़्यादा ईजिली आप पढ़ सकते हो जो ओप्पो का लिया हुआ वीडियोज़ है, तो यहाँ पर ओप्पो को एक एडवांटेज लो लाइट में मिल रहा है। स्लो मोशन का बात करेंगे तो मोटो S30 हम लोग को 240fps HD में देता है, फुल HD में जो है 120fps देगा, और इसमें भी हम लोग को सिर्फ 120fps का ऑप्शन है नथिंग फोन मन में। लेकिन ओप्पो रेनो 8 जो है आपको 120 तो देता ही है, फुल HD में 480fps का भी शूटिंग दे देगा, 960fps पर भी आप जा सकते हो अगर आप 720p रिकॉर्ड करोगे तो। तो ओप्पो के साथ हम लोग को एक एडवांटेज भी मिल जाता है जो कि है इसका पोर्ट्रेट वीडियो मोड, जिसमें AI मोड आप बोल सकते हो, जिसमें बैकग्राउंड ब्लर आप कर सकते हो, बाकी दोनों फ़ोन्स में आपको ये फीचर नहीं मिलता है। तो यहाँ पे ओप्पो को एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिल जाता है, अगर आप पोर्ट्रेट वीडियोज़ वगैरह शूट करते हो जिसमें आपको बैकग्राउंड ब्लर चाहिए नेचुरल वाला, जो बोके फ्लेयर पोर्ट्रेट मोड है वो सारा कुछ भी बैकग्राउंड ब्लैक एंड वाइट चाहिए, तो ये फ़ोन आपके लिए इकलौता ऑप्शन है इसमें से। वैसे अगर फीचर्स का बात करेंगे तो सबसे कम जो फीचर्स है वो हम लोग के नथिंग फ़ोन में है, और सबसे ज़्यादा जो फीचर्स है वो कहीं ना कहीं और यूज़फुल भी रेनो 8 में है। वैसे फीचर्स आपको काफ़ी सारे मिल जाएंगे मोटो में भी, जैसे कि कटआउट मोड है, स्पॉट कलर, सिनेमा ग्राफ मिल जाता है, पैनोरमा जो है वो भी मिल जाता है। पैनोरमा में ये एक चीज़ है कि भाई इतना अच्छा फ़ोन में आपको
पैनोरमा अल्ट्रा वाइड पे नहीं मिलेगा, डुअल कैप्चर आपको इन दो फोन्स में मिल जाता है, आपको यहाँ पे डुअल कैप्चर का ऑप्शन नहीं मिलेगा, डुअल व्यू मोड जिसको बोलते हैं। अगर प्रो मोड का बात करेंगे तो सारे ही फोन में आपको प्रो मोड मिल जाता है, अल्ट्रा वाइड, वाइड एंगल सब पे सपोर्ट करता है, रॉ वगैरह सब कुछ सपोर्ट करेगा। और अगर आप टाइम लैप्स शूट करते हो तो आपके लिए भाई बेस्ट ऑप्शन यहाँ रखा है, क्योंकि भाई इसमें आपको 4K टाइम लैप्स शूट करने का ऑप्शन मिलेगा जो कि किसी में भी नहीं मिलेगा। इवन अल्ट्रा वाइड पे भी आप टाइम लैप्स शूट कर सकते हो मोटो में। तो टाइम लैप्स अगर आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, आप टाइम लैप्स के शौकीन हो, तो भाई आपके लिए इकलौता ऑप्शन मोटो ही रहता है। तो भाई ये तीनों ही फ़ोन्स अपने आप में काफ़ी यूनिक है। नथिंग बेस्ट लुकिंग फ़ोन है, मोटो भी काफ़ी अच्छा है, मतलब लुक वाइज तीनों फ़ोन अच्छा है, बस ये यूनिक है थोड़ा कुछ कुछ चीज़ों में, वीडियोस में, डे टाइम में हमको ये फ़ोन ज़्यादा बेटर लगा। ये फ़ोन जो है आपका सब कुछ, मतलब इस फ़ोन में अगर OIS होता ना तो हम डेफिनेटली बोल सकते हैं कि इन दोनों फ़ोन्स को ये पीछे कर देता। बहुत ही अच्छा ऑप्टिमाइजेशन, पहले के ओप्पो के फ़ोन्स यार इतने स्टेबल नहीं होते थे जितना आजकल इस सीरीज़ में हम देखे हैं। H30 बहुत हार्डवेयर इसका तगड़ा वाला है, लेकिन इसको भी ऑप्टिमाइजेशन की ज़रूरत है। सस्ता फ़ोन है, 25-26 हज़ार में मिल जाएगा आपको, ये फ़ोन भी 25-26 हज़ार में मिल जाएगा, ये फ़ोन सबसे महंगा है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना कि भाई आपके लिए कौन सा जो फ़ोन है वो परफेक्ट चॉइस बनता है। आप कमेंट करके बताइए कि तीनों में से कौन सा फ़ोन जो है गर्दा उड़ाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।